रिकॉर्डिंग करते हैं शुरू। और आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आइए इसी रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। दिव्यांश, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यार मेरे पास कैपिटल कितनी हो, मैं अगर खेलना शुरू करूं, मतलब कम से कम 10-20 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, इससे कम पे तो गुजारा नहीं चलेगा। या ऐसा भी ख्याल आता है कि 10,000 रुपए भी काफी है यार, इतने से ही काम हो जाता है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करने वाले हैं कि कितनी कैपिटल हमारे लिए सफिशियंट है। हम एज्यूम करके चलते हैं, एजम्पशन है ये हमारी, कि हमारे पास जो कैपिटल है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की कैपिटल है, इससे ज्यादा हमारे पास कैपिटल है ही नहीं। और हम हर ट्रेड में 1% का रिस्क लेने वाले हैं। मतलब अगर एक ट्रेड हमें लॉस देगी तो मैक्स टू मैक्स हम उसके अंदर जो लॉस अपना लेने वाले हैं वो 1,000 रुपए का रिस्क या 1,000 रुपए का लॉट लेने वाले। 1,000 रुपए से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा, बस हम 1,000 का ही स्टॉप लॉस लेंगे। और 1,000 का स्टॉप लॉस कैसे लेंगे अभी बताते हैं। रिस्क पर ट्रेड हमने डिसाइड कैसे करना है? रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करने का फॉर्मूला है कि अगर आप बिगनर हो, जो कि हम सब हैं, अभी हम सारे बिगनर्स हैं, तो 1% से ज्यादा अपनी टोटल कैपिटल डिप्लॉयड का हम रिस्क नहीं लेंगे। तो अगर 1 लाख कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स रिस्क 1%। अगर आप इंटरमीडिएट हो, बिगनर नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आप इंटरमीडिएट हो, तो आप 1.5% का रिस्क ले सकते हो। अगर आप प्रो भी बन जाओ और आपको लगे नहीं मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं, मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी 2% से ऊपर का रिस्क मत लेना। चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है, कैपिटल आपकी है, पैसा आपका है, पर मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि 2% से ऊपर का रिस्क मत लेना। अब इस रिस्क को लेने का फॉर्मूला क्या है? हम ये किस डिसीजन से हम इस बात पे पूछे कि हमें 1,000 रुपए का रिस्क लेना है? तो दिव्यांश, इसके लिए ना आप ही का होमवर्क ओपन अप करते हैं। जैसे आपने एंट्री रखी है 1999 पे और आपका स्टॉप लॉस है 1922, तो 1999 में से अगर मैं 22 माइनस करूं तो 77 रुपीज 25 पैसा आता है, जो कि आपने खुद ही निकाल के दिया हुआ है, 75 रुपीज 25 पैसा। तो आप जो रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं वो है 78 रुपीज, मैं इसको अप्रॉक्स मान लेता हूं, 78 रुपीज अप्रॉक्स मान लेते हैं। और आपने बोला इसका हमारा फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड अपॉन में एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। रिस्क पर ट्रेड हमें लेना है 1,000 रुपए और एक एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का जो हमारी ट्रेड में डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 78 रुपीज। तो अगर मैं यहीं पर इसको कैलकुलेट करूं कि हमारे को कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेना अलाउ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो इसमें आता है वो आता है 1000 डिवाइडेड बाय 78, दैट कम्स टू 12.82, यानी के 13 शेयर लेने की आपको परमिशन है, 13 शेयर लेने की आपको परमिशन है। यानी कि अगर गए तो 1000 जाएंगे और अगर आए तो जो आपने टारगेट इधर मेंशन किया है वो है 2:1 का टारगेट, आए तो 2000 रुपए आएंगे। जाने के लिए 1000 हैं, आने के लिए 2000 हैं, तो आने के लिए 2000 और जाने के लिए 1000, यानी कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मान लेते हैं हम 2:1 है, 2:1 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, RR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा, या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमारा 2:1 है। मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड ली पूरे महीने में और उसमें से सिर्फ 5 ट्रेड ही चली। दूसरी अजम्पशन, आपकी 10 में से 6 ट्रेड चली। तीसरी अजम्पशन, आपकी 10 में से 7 ट्रेड चली। अगर आपकी 5 ट्रेड चली तो जो आपकी 5 ट्रेड टारगेट हिट होंगी और 5 ट्रेड ही आपकी SL हिट होंगी। जो 5 ट्रेड आपकी टारगेट हिट होंगी उस पर आप 5 × 2000 कितना अर्न करने वाले हैं, 10,000। जो SL होंगी आपकी 5 ट्रेड, वो 5 × 1000 आप लॉस कितना बियर करने वाले हैं, 5,000। तो नेट प्रॉफिट
50% एक्यूरेसी के साथ भी आपका 5,000 रुपये महीने का आता है, विच इज नॉट एट ऑल बैड। अभी तक जितना आपने सीखा है, मैं आपको कंफर्म गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने क्लोजिंग कंसेप्ट और 7/7 का ट्रेड लेना सीख लिया तो आपकी 50% की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी 50% की एक्यूरेसी कहीं नहीं गई। आप इजीली 1,00,000 की कैपिटल पे अगर 1% का रिस्क ले रहे हो और 50% भी अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो रही है तो आप 5,000 रुपये लेके निकलेंगे। इसके आगे हम एडवांस और प्रो ट्रेडर की बातें इसके बाद करने वाले हैं। मान लेते 10 में से 6 ट्रेड आपकी टारगेट हिट हो गई, तो टारगेट आपको 6 ने दिया, SL आपको 4 ने दिया, जो 6 ने टारगेट दिया उस पर आप लगभग लगभग कमाएंगे 12,000 रुपये, और जिन 4 ने आपको स्टॉप लॉस दिया, उन पर आप जो लॉस खाएंगे वो खाएंगे 4,000 रुपये का। तो अगर 60% भी आपकी एक्यूरेसी है तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है 8,000 रुपीज ऑन अ कैपिटल ऑफ सिर्फ 1,00,000, विच इज क्वाइट बेटर, बहुत बढ़िया है। 8% का रिटर्न नॉर्मली किसी भी असेट क्लास में निकालना अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगर आप 50% की एक्यूरेसी से भी चल रहे हैं, 5% महीने था तो साल का 60% बैठता है। इनिशियली मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपने 1,00,000 की कैपिटल से ही पहली 100 ट्रेड लेनी है। पहली 100 ट्रेड्स आपने सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 की या बेयर मिनिमम कैपिटल से के साथ ही करनी है। आपको लग रहा है नहीं, मैं 1,00,000 की कैपिटल भी नहीं लगाता, आप 10,000 की कैपिटल लगा लो, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 100 रुपये का रख लो, लेकिन जब तक 100 ट्रेड्स, कौन सी ट्रेड्स, 7/7 वाली प्लस उसकी क्लोजिंग एक्सीलेंट होनी चाहिए, जब तक ऐसी आप 100 ट्रेड्स ना ले लें तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। और एक महीने में मैक्स टू मैक्स आपने 10 ट्रेड्स से ज्यादा लेनी ही नहीं है, नॉट एट ऑल अलाउड, आपको अलाउड ही नहीं है कि आप 10 ट्रेड से ज्यादा लें। अगर आप 10 ट्रेड से ज्यादा ले रहे हैं तो आप अपने रूल को तोड़ रहे हैं, आप अपने रूल को ब्रेक कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड लेनी है, जो ट्रेड आपके सामने आए अगर आपको उसको 1% भी डाउट है आपने उस ट्रेड को नहीं लेना, आपने उस ट्रेड को छोड़ देना है। आपको लेनी कौन सी है, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड। जैसे भी आपने मुझे नेस्ले में ट्रेड दिखाई, दिव्यांश भाई ये ट्रेड देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया कि आपने ये वाले एरिया को छोड़ दिया ऊपर वाले एरिया को और ये नीचे वाले एरिया को ही पकड़ा, क्योंकि यहां पर आपको 2 लेग आउट दिखी और मिनिमम बेस कैंडल दिखी और ये एरिया बिल्कुल फ्रेश है। तो इस आपके इस डिसीजन को सच में सलाम है। तो जब भी कभी प्राइस 2500-2600 से गिर के आराम आराम से, हो सकता है कुछ वक्त लेके आए, 4 महीने में आए 6 महीने में आए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जब इस एरिया में प्राइस आएगी और तब आप उस पर ट्रेड करेंगे तो इस चीज की 200% श्योरिटी है कि आपके चलने के प्रोबेबिलिटी ट्रेड के बहुत हाई हैं। ऑल्दो जब प्राइस 2300 से 2000 आएगी तो कम से कम वो 20-25% अपना लूज कर देगी। तो 20-25% जब वो लूज कर देगी तो ऐसी किसी भी स्टॉक में जो 20% से ज्यादा की गिरावट के साथ आ रहा है, हम उसमें कंफर्मेशन एंट्री प्लान करते हैं, हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं, एडवांस या प्रो क्लासेस में। फिर भी अगर आपको वो नहीं भी पता और आप इस लेवल पे भी एंट्री ले लेते हैं तो इस ट्रेड के चलने की और 2:1 देने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और लगता है मुझे कि इस ट्रेड में आप 2:1 लेके निकलेंगे। आगे चलते हैं। अगर 10 में से आपके टारगेट हिट हो रहे हैं 7 पे और SL महीने में 3 पे आ रहा है तो 7 × 2000 14,000 रुपये आपका कमाई है और जो लॉस जाएगा वो सिर्फ 1,000 रुपीज जाएगा, दैट कम्स टू 3,000 नेट प्रॉफिट आपने इस सिचुएशन में बनाया 11,000, यानी कि आपको ROI बनता है 11%। ये तो वो है जब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ 1% का ले रहे हो, अगर आप 2% का लोगे तो 11,000 की जगह 22,000 हो जाएगा, 8 की जगह 16,000 हो जाएगा और 5 की जगह 10,000 हो जाएगा। लेकिन हम बिगनर हैं, हमें 1% से ज्यादा का रिस्क लेना अलाउड ही नहीं है। ट्रेड में 0.5% का भी डाउट हो ट्रेड छोड़ दो, ट्रेड तब तक नहीं लेनी जब तक वो 7/7 नहीं है और उसकी क्लोजिंग एक्सीलेंट नहीं है। क्लोजिंग एक्सीलेंट होने के साथ साथ हमें एक चीज और अपने फेवर में लेके चलनी है, वो चीज क्या है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड अपने फेवर में लेके चलना है। जहां हमें ये सारी चीजें एक साथ दिखेंगी
हम वही ट्रेड लेंगे और कोई ट्रेड लेंगे ही नहीं। और जब भी कभी हम ऐसी ट्रेड लेंगे उसके चलने की प्रोबेबिलिटी 100% के आसपास होगी। फिर भी मैं कह रहा हूं चलो नहीं चली आपकी 100%, इनिशियली आपके स्टॉप लॉस आ रहे हैं, इतनी तीन चीजों को फॉलो करके भी आप 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी इजिली निकाल लोगे, बशर्ते है कि इन तीन चीजों को फॉलो किया जाए। यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम मान लेते हैं 3:1 हो गया। अब की बार हम 3:1 ले रहे हैं क्योंकि अब हम थोड़े से प्रो ट्रेडर की तरफ चलेंगे ना, अपने आप को प्रो बनाएंगे, तो हमारे को रिस्क रिवॉर्ड 2:1 की जगह हो सकता है 3:1 की ट्रेड मिल जाए, हो सकता है 4:1, 6:1, 10:1 की ट्रेड मिल जाए। तो एक बार के लिए मान लेते हैं 3:1 की ट्रेड मिली, टारगेट अचीव हुए 5K, SL हिट हुए 5K, तो 5 × 3000, क्योंकि अब की बार 3000 पे आएंगे ना, 15000 का प्रॉफिट, और लॉस जो हमें होगा 5 × 1000, यानी कि 5000 का लॉस। तो यहां पर जो हमारा नेट P&L बैठता है वो 10000 है। किसी भी दूसरी एसेट क्लास में 10000 रुपये, यानी कि 10% पर मंथ की ROI देना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, 5% भी नहीं आता। मान लेते हैं 60% अगर आपकी एक्यूरेसी हुई तो 6 × 3000 18000 रुपये आपको आएंगे, और आपका लॉस कितना होगा 4 × 1000। मैं आपको ये चीज़ लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को लगता है कि 1 लाख की कैपिटल बहुत कम है, तो कम हरगिज़ नहीं है। 14000 रुपये आप फिर भी कमा सकते हैं, और 70% की अगर गलती से एक्यूरेसी आ गई, आपने अपने आप को इतना आगे वाली क्लासेस में अपने आप को ट्रेंड कर लिया, तो 21000 आपका जो आएगा और जो SL हिट होगा वो होगा 3 × 1000, दैट विल बी 3000। तो आपके पास बचे कितने नेट ऑन 18000। 18000 रुपये आज की डेट में एक फ्रेशर की जॉब के होते हैं, जो कि आप सिर्फ 1 लाख की कैपिटल से अगर थोड़ा सा फोकस होके इन तीन चार चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें फॉलो कर लिया और आज की क्लास को ध्यान से समझ लिया सॉरी, तो यकीन मानना आपको कोई बीट नहीं कर सकता। पर इस चीज़ के कुछ एक रूल हैं। वो रूल क्या है कि एक बार जो आपने एंट्री प्लॉट कर दी वो एंट्री वहीं की वहीं रहेगी, वहां से शिफ्ट नहीं होगी। एक बार जो आपने SL प्लॉट कर दिया वो वहीं का वहीं रहेगा, वहां से शिफ्ट नहीं होगा। अगर प्राइस 1999 रुपये 90 पैसे पे आ रही है तो ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे 5 रुपये ऊपर चली गई तब खरीद रहे हैं, SL से 10 रुपये नीचे आ गई तब भी हमने होल्ड करके रखा हुआ है, नहीं। SL मीन्स SL, लॉस हो गया काट दो उसे। अपने 1000 रुपये के लॉस को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका लॉस ही बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ने का। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी तो नीचे जा रही है, कभी ना कभी तो ट्रेड ऊपर आएगी ही। पेटीएम में हमारी एक बहन है नेहा, वो अभी तक अपने शेयर होल्ड करके रखे हैं, उसने IPO लिया था, तो उसको अगर नहीं पता सही टाइम क्या है एग्जिट का और उसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। मेरा एक और दोस्त जितिन जो क्लासेस में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं भाई साहब, उन्होंने एक कंपनी का शेयर लिया वो 100 टाइम्स हो गया, बड़े खुश हुए, दूसरी कंपनी का लिया उसमें 1% वैल्यूएशन रह गई। तो मैंने उससे पूछा भाई तूने एग्जिट क्यों नहीं किया, बोले पता ही नहीं एग्जिट कहाँ करना है। तो आपको अपनी एंट्री और एग्जिट डिफाइन करके चलनी पड़ेगी। शेयर मार्केट का रूल है डिफाइन योर एग्जिट बिफोर योर एंट्री। अगर आप अपनी एग्जिट डिसाइड नहीं करते, टारगेट मिल गया तो भी एग्जिट, SL हो गया तो रिस्पेक्ट करो SL की और एग्जिट हो जाओ। ना SL नीचे ले जाने की जरूरत है, ना टारगेट ऊपर लेके जाने की जरूरत है। जहां अचीव हो जाए रिसीव कर लो, या तो पहले से ही डिसाइड करके रखो नहीं SL यहां नहीं यहां रखूंगा, उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप करके चलो। एक बार डिसाइड कर लिया तो उसको चेंज नहीं करना। 2287 रुपये का जो ये प्राइस है, इसमें इस वाले एरिया में 2115 रुपये या 20 रुपये के आसपास मैंने इसको खरीदा था नेस्ले इंडिया को, मैंने आपको दिव्यांश दिखाया भी था, और 2650 के आसपास इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था। 2650, 2660 यहाँ पर कहीं वीकली का सप्लाई जोन था, 2750-60 पे था, तो हमने उसको वहीं पर ही प्रॉफिट बुक किया। थोड़ा ये ट्रेड मैंने दिव्यांश आपसे शेयर भी की थी, तो पहले से ही डिसाइडेड था कि इस एरिया में एंट्री लेनी है, इस एरिया में एग्जिट लेना है। अच्छा खासा 600-700 पॉइंट का अपमूव हमने इन्जॉय किया था, जितना भी अपमूव आया हमने इन्जॉय किया। ज़्यादा शेयर नहीं लिए थे, 100 शेयर ही लिए थे, लेकिन 100 शेयर ने अच्छा खासा हमें टारगेट दिया, प्री डिफाइंड टारगेट। अब मैं लालच में पड़ जाता और सोचता नहीं यार ये इसके बाद भी तो ऊपर जा सकता है, तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस अल्टीमेटली नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी कंसोलिडेशन कितनी लंबी चलेगी पता नहीं,
मेरी कैपिटल तो स्टक हो गई ना, अगर कोई और अच्छी ट्रेड आती है तो मैं उसको ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा तो सारा का सारा इसी ट्रेड में फंसा हुआ है। और अगर इस क्लास के अंदर, अगर इस ट्रेड के अंदर ऐसा होता है कि मैं अपना एसएल 77 से हटा के मैं सोचता हूँ नहीं, इस वाले डिमांड जोन के नीचे ले जाऊँ, यहां तक ले जाऊँ यहां तक, तो अल्टीमेटली मेरा रिस्क तो बढ़ गया लेकिन मेरा रिवॉर्ड नहीं बढ़ा। रिस्क बड़ा हो गया, रिवॉर्ड बड़ा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जो हम यहाँ कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं ना कि हमें 1,000 रुपये का पर ट्रेड लॉस होगा, उस लॉस को तो बढ़ा के आपने 4,000 रुपये कर दिया लेकिन आपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ाया। तो प्रॉफिट तो अभी भी आपको 2,000 ही आ रहा है या 3,000 आ रहा है, और लॉस को बढ़ा के आपने 4,000 कर लिया, और मान लो 4,000 के लॉस के बाद भी शेयर रिकवर ना हुआ तो अल्टीमेटली लॉस हम सबका है। इसीलिए रूल बेस्ड ट्रेडर बनना है, एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप अनस्टॉपेबल हो, और अगर आप एक्सपेक्टेशन बेस्ड करोगे तो दिक्कत आएगी आएगी। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे लगता है ये ऐसा होगा या मुझे लगता है ये वैसा होगा, नहीं, मेरा ट्रेड सेटअप बोल रहा है कि ऐसा होगा तो ही हम उसे डील करेंगे, वरना हम उसे डील नहीं करेंगे। यहाँ कुछ एक शेयर्स हैं जो पीएसयू की लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, ये माय फेवरेट, मेरे कुछ एक फेवरेट शेयर्स हैं, मतलब आपके अपने हो सकते हैं, हर एक का अपना अपना फेवरेट होता है। एक बार के लिए हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ। इस पे मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए थे और इसमें मुझे अभी तक दोबारा एंट्री नहीं मिली है। इसके सारे टूल्स को मैं एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूँ और आपको इसका टाइम फ्रेम और इसका सेटअप आपको दिखाता हूँ। ये इसमें ईयरली का एक डिमांड जोन है। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको ट्रेड सेटअप समझाने की कोशिश है। ये इसमें ईयरली का एक डिमांड जोन है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। हाफ ईयरली पे यहां पर एक, कुछ बोलना है तो बोलिए। ओके, यहां पर एक सप्लाई जोन था हाफ ईयरली का, एक ये ग्रीन कैंडल पर, और ये प्राइस को अच्छा खासा नीचे भी लेके आया था। तो चाहे तो मैं इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लूं या ये रेड कैंडल को मार्क कर लूं, किसी भी एरिया को मार्क कर सकता हूं। और अभी जो प्राइस घूम रहा है वो कहाँ घूम रहा है? इसी हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर घूम रहा है। अब क्योंकि हम एडवांस स्टडी कर चुके हैं तो हमें पता है प्राइस अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट जो हो रही है वो बॉटम के एरिया से ही हो रही है। तो इसको लेग इन और ये चार बेस कैंडल को बेस कैंडल मानते हुए उसको लेग आउट भी मान लूं, तो प्राइस अल्टीमेटली इस कैंडल के लोअर से ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई है। तो अगर मैं सिर्फ इस कैंडल को या दिस प्लस दिस भी कर लूं तो इतना सफिशियंट है। और ये ऊपर वाला सप्लाई जोन है तो इसको एक बार के लिए हम रेड कलर से मार्क कर देते हैं। इसके बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये प्राइस मूव कर रही है, और क्वार्टरली के ही टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे लेग इन बेस बेस लेग आउट, दो लेग आउट वाला ये एक अच्छा खासा क्वार्टरली का सप्लाई जोन है जो कि इस एरिया तक है। इसको भी एक बार के लिए हम मार्क कर देते हैं। इसके ऊपर क्वार्टरली का कोई अच्छा सप्लाई जोन, हाँ ये दो बेस कैंडल वाला है, और ये दो बेस कैंडल वाले की इस विक से ही ये आगे का फर्दर 4 विक बनी है, और इसी में जब प्राइस दोबारा गई तो इसी की रिएक्शन से, इसी वाले की रिएक्शन से ये सारा सप्लाई जोन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सप्लाई जोन या फिर उसकी रिफ्लेक्शन से बना हुआ सप्लाई जोन, तो ये हमारे सामने हमें दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये रहा मंथली का टाइम फ्रेम। मंथली के टाइम फ्रेम पे लेग इन 3 बेस 2 लेग आउट वाला, और ये 2 लेग आउट बड़ी शानदार हैं। एक डिमांड जोन हमें यहाँ पर दिखता है जो कि बहुत नियर बाय है, कोइंसाइड तो नहीं कर रहा लेकिन बहुत ज्यादा नियर बाय है इस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के। और मंथली है तो मंथली को एक बार के लिए हम थोड़ा अच्छा कलर दे देते हैं ताकि हमें पता रहे छोटा टाइम फ्रेम है यहाँ पर। यहाँ पर मंथली पे जो सप्लाई जोन है उसमें मल्टीपल बेस कैंडल है, तो यहाँ मंथली पर तो कुछ अच्छा नहीं है, पर ये मंथली का एक अच्छा डिमांड जोन है। और इसकी अचीवमेंट क्या है? अभी इस वाले मंथली की अचीवमेंट ये है कि इसने इस वाली कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये वाली कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी है, और प्राइस को सीधा ले जाकर के क्वार्टरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन में डाल दिया है। अब जब भी कभी हम क्वार्टरली का मुकाबला करेंगे तो हमारे पास क्वार्टरली से लड़ने के लिए कम से कम क्वार्टरली का सप्लाई जोन सामने, डिमांड जोन सामने होना चाहिए। और क्वार्टरली या हाफ ईयरली का जो हमारा डिमांड जोन है वो इसी एरिया में है। क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का हमारा सारा डिमांड जोन जो है वो इसी एरिया में है, तो हम इसी एरिया पे भी फोकस करते हैं। इस एरिया में हमारे को और क्या दिखता है?
वीकली का टाइम फ्रेम, वीकली पे ये सारे बेस 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 बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इतने सारे बेस होते तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के साथ प्राइस ऊपर बढ़ रही है। अल्टीमेटली यहाँ बहुत ज़्यादा फाइट हुई, यहाँ फाइट होने के बाद, यहाँ फाइट होने का रीज़न क्या था, यहाँ फाइट होने का रीज़न ये था कि यहाँ पर एक ये सप्लाई जोन है, सारी गार्बेज थी, बहुत सारा एरिया था यहाँ पर, उसको ब्रीच करने में इसे समय लगा, लेकिन ये जो बेस कैंडल है, इसी बेस कैंडल के बाद ये दो लेगआउट बनी है एक्सप्लोजिव, और यहीं से प्राइस ऊपर गया है। तो वीकली पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग तो दिख रही है, लेकिन कोई अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं दिख रही, कोई अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं दिख रही। कुछ लोग जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो अपनी एंट्री इस जगह प्लान करेंगे, और जो कंजर्वेटिव हैं वो ये बिल्कुल बॉटम पे प्लान करेंगे 146। अब हमें कहाँ प्लान करनी है, एक बार डेली का भी चार्ट देख लेते हैं इसका, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें कहाँ एंट्री प्लान करनी है। जब हम डेली पे जाते हैं तो डेली पर जब भी कभी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी पूरी एक रैली हो और उस रैली के अंदर कहीं एक रेड कैंडल हो, वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग ये तो डिमांड जोन होता है, या अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग वो सप्लाई जोन होता है। तो यहाँ पर जो एक सिंगल रेड कैंडल दिख रही है इस पूरी में, यहाँ से लेके पूरी रैली में, आप इस एरिया को भी अगर प्राइस बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं आती, जो कि लग भी नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगी, क्योंकि प्राइस अल्टीमेटली आप यहाँ देखें नया नया, ये एक डिमांड जोन बिल्टअप किया सप्लाई जोन के अंदर ही, और ये दूसरा फॉलो अप डिमांड जोन, इस डिमांड जोन से बनाई एक और डिमांड जोन जो ईएमए के ऊपर प्राइस को ले गया है। एक बार के लिए ईएमए भी हम हटा देते हैं, ईएमए की क्लास हमारी कल होगी तो ईएमए कल स्टडी कर लेंगे। एक इधर और एक ये दूसरा फॉलो अप डिमांड जोन, मतलब इसी डिमांड जोन की रिफ्लेक्शन से एक और डिमांड जोन बना है जो उस सप्लाई जोन के अंदर जाके बना है। तो इट मीन्स ये अपने आप में बहुत पावरफुल बनाता है इस चीज को कि सप्लाई जोन के अंदर जाके ही डिमांड जोन बिल्ट होना शुरू हो गए हैं, चाहे डेली के टाइम फ्रेम पे सही। पर मेरे से अगर कोई पूछे तो एंट्री 210 पे लेना बेहतर रहेगा। सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ होगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंट्री, सबसे बेहतरीन एंट्री, अगर इससे भी कमाल की मुझे एंट्री चाहिए तो मैं इसको इधर ना लेके मैं इस एंट्री को लूंगा इस जगह। एक बार आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये रहा दो लेगआउट वाला, तीन बेस कैंडल वाला आलिशान डिमांड जोन, जिसमें प्राइस जो कोइंसाइड कर रही है, किसको कोइंसाइड कर रही है, स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा इस जगह पे 131 पे एंट्री, 122 या 120 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस। अभी मैंने यहां पर क्यों लिया, क्योंकि प्राइस में अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक भी फाइट चली है, इस एरिया से इस एरिया तक भी फाइट चली है, और यहां पर भी पेंडिंग बाइंग के बहुत ज्यादा ऑर्डर होंगे 131.40 रुपए पे, जिसकी वजह से प्राइस एकदम ऊपर जाके खुली, गैप अप खुली और यहां पर दो लेगआउट कैंडल बनाई। अब क्या इसका कोई अचीवमेंट है, क्या इसका कोई अचीवमेंट है, इसकी अचीवमेंट जानने के लिए जाइए, डिमांड जोन क्लोज हो रहा है, इसकी हाईएस्ट बॉडी पे एक बार के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की और पीछे चल के देखते हैं। इसने इस वाले एरिया की कंसोलिडेशन को ब्रीच किया है, यहां पर एक सप्लाई जोन था, इस एरिया की कंसोलिडेशन को ब्रीच किया है। इसको एक बार जूम बॉक्स से बड़ा करके देख लेते हैं, ये वाले जो ये गैप डाउन के साथ, जो तीन बेस कैंडल हुए गैप डाउन के साथ, जो यहां पर एक सप्लाई जोन बना था इसको ब्रीच किया है, हालांकि इस एरिया को ब्रीच नहीं कर पाया। और इस एरिया को ब्रीच किसने किया, इसके बाद वाले किसी डिमांड जोन ने, फॉलो अप डिमांड जोन ने इसके बाद वाले एरिया को ब्रीच किया होगा। यहां पर जो ये डिमांड जोन बन रहा है 150 रुपए पर, ये वाला जिसमें मल्टीपल बेस कैंडल है, मेरे लिए तो एक गार्बेज एरिया है, पर ये मल्टीपल बेस कैंडल है और यहाँ मंथली का डिमांड जोन है, पूरे एक महीने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर चले हैं, वो मंथली का डिमांड जोन इस 151 रुपए वाले लेवल को ब्रीच कर पाया है। तो अभी अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो मेरे लिए ये बेस्ट एंट्री है, ये बेस्ट एंट्री है, 131 रुपए पे एंट्री, 122 रुपए का SL, और मैं टारगेट कहाँ रखूंगा, क्योंकि मैं एंट्री ले रहा हूँ ईयरली टाइम फ्रेम पे, मैं एंट्री ले रहा हूँ ईयरली टाइम फ्रेम पे, इनिशियली मेरा टारगेट 2:1, पर उस समय का प्राइस एक्शन बताएगा कि प्राइस कितनी स्पीड के साथ नीचे आया है, कंसोलिडेशन के साथ नीचे आया है, किसी और तरीके से नीचे आया है, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 285 पे, यहां तक प्राइस आते आते प्राइस ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाएगा। तो उस समय हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें एंट्री लेनी है कंफर्मेशन एंट्री, जो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि जब भी कभी प्राइस बड़े टाइम फ्रेम से वापस आ रहा हो या प्राइस में 20% से ज्यादा की गिरावट हो तो आपको कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा आपकी एंट्री कैसे होगी, आपकी एंट्री होगी कंफर्मेशन एंट्री। और अगर मुझे डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो ये बेस्ट एरिया है 209 रुपए का, 209 रुपए का डायरेक्ट एंट्री का एरिया है, और कंफर्मेशन एंट्री का एरिया है 131 रुपए या 32 रुपए का। अब मुझे इसको सेट करना है तो मैं
एड टू प्राइस अलर्ट पे जाऊंगा और यहां पर मैसेज टाइप करूंगा 135 रुपये। हालांकि उस समय तक ट्रेंड मेरे अगेंस्ट में हो चुका होगा, मुझे ट्रेंड को अपने साथ लेके चलना है, तो ट्रेंड मेरे फेवर में है, ये बात मैं कैसे डिसाइड करूंगा? ये बात भी हम देखिए, जो भी कोई इंडिकेटर है ना, वो लैग इंडिकेटर होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन बाद में देता है। हम इंडिकेटर के बताने से पहले कैसे पता लगा लें कि ट्रेंड हमारे फेवर में आ चुका है, ट्रेंड डाउनवर्ड से साइडवेज हो चुका है, ये ट्रेंड डाउनवर्ड से साइडवेज होने के बाद अब पॉजिटिव हो चुका है। तो जब ट्रेंड पॉजिटिव होगा उस समय हम इसमें कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्लान अ कंफर्मेशन एंट्री एंड टेक ट्रेंड इन योर फेवर प्राइस डेली कोइंसाइडिंग हाफ ईयरली एंड हाफ ईयरली के अलावा कौन सा टाइम फ्रेम था हमारे यहां पर, एंड क्वार्टरली, क्वार्टरली के अलावा हमारा ईयरली भी था, ईयरली हाफ ईयरली ईयरली एंड क्वार्टरली। इस पूरे को कॉपी कर लो, ये आपने अलार्म लगा दिया। दिस कंडीशन इज ऑलरेडी एडेड येट टू बी ट्रिगर, इसका मतलब इस स्टॉक को जो मैंने एनालाइज किया होगा तो मैंने 135 रुपए पे पहले ही इसकी ट्रिगर लगा रखी है। अब इसको मुझे यहीं पर ही मेंशन करना है, तो एन दबाऊंगा, यहां पर यही सारा जो मैंने अभी लिखा था वही सारा पेस्ट कर दूंगा, और इसमें अगर और भी कुछ ऐड करना है तो मैं यहीं पर ही अपनी पूरी स्टडी बना लूंगा। यहीं पर ही अपनी पूरी की पूरी स्टडी बनाते हैं और यहीं पर ही सब चीजों को ऐड करते हैं। एक्सीलेंट, 7/7 डिमांड जोन, 2 प्राइस इज कमिंग फ्रॉम हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली सप्लाई जोन, बड़े टाइम फ्रेम के से आ रहा है तो इसमें मुझे कंफर्मेशन एंट्री ही प्लान करनी है। तो मैंने सब चीजें इसमें मेंशन कर दी और इसको सेव करके यहां लिख दिया। तो ये मेरी स्टडी हो गई इस स्टॉक को लेके। अब ये किस प्राइस पे एंट्री करनी है वाली कंफर्मेशन एंट्री, तो वो भी मेंशन कर देते हैं। 132 पे जो हमें कंफर्मेशन एंट्री प्लान करनी है, तो हमने 132 के बारे में सारी डिटेल लिख के यहां छोड़ दी। यही एंट्री अगर मुझे इधर प्लान करनी है तो मैं कैसे करूंगा, इधर मेरी एंट्री, इधर मेरा SL, थोड़ा सा नीचे SL, प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ऊपर एंट्री 212 रुपये पे। प्राइस बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है, ये रिस्की है, और 21 रुपये का SL भी बहुत वाइड बन रहा है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे 2:1 इतना इजीली मिल पाएगा। चाहूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है इस ट्रेड में, इसलिए मैं इस ट्रेड को चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको एंटर भी कर सकता हूं कि एक अच्छा ट्रेड है और यहां पर लिया जा सकता है 2:1 के लिए, क्योंकि यहां पर लेगआउट बहुत सारी है, 4 लेगआउट है, मिनिमम बेस कैंडल है, फ्रेश एरिया है, 7/7 है, पर प्राइस आ रही है बड़े टाइम फ्रेम से, और बड़े टाइम फ्रेम को रोकने के लिए हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम ही होना चाहिए। अगर हमें गुरु द्रोण के आगे खड़ा करना है, गुरु भीष्म पितामह के आगे खड़ा करना है, तो हमें कृष्ण को ही खड़ा करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली अर्जुन को नहीं भेज सकते कि जा तो इन सबसे लड़ाई लड़, हमारे को एक बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए ही चाहिए। इस चार्ट को एक बार क्लोज करते हैं। एक और अच्छा चार्ट है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। हिंदुस्तान कॉपर, MMTC, बजाज हिंद, कलैब, शक्ति शुगर, इन्फीबीम, किस पे बताएं, बेल पे करते हैं डिस्कशन। इसके भी सारी चीजों को एक बार के लिए डिलीट कर रहे हैं, सारी चीजें हमने एक बार के लिए डिलीट कर दी, और चार्ट पे चलते हैं। ईयरली के टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। ये रहा ईयरली का टाइम फ्रेम, ये 2 बेस कैंडल वाला, 1 डिमांड जोन है, लेगिन बेस और ये 3 लेगआउट।
या कुछ लोग ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं लेग इन बेस लगअप, तो दोनों ही सही है। एक यहां पर ईयरली का डिमांड जोन और एक बॉटम वाले एरिया में ईयरली का डिमांड जोन। ईयरली का डिमांड जोन अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, तो अगर वो 20% से कम की अपमूव दे रहा है तो ईयरली का डिमांड जोन हमें कंसीडर नहीं करना। हाफ ईयरली में लेग इन, ये तीन बेस कैंडल लग रही हैं, ये लेग आउट लग रही है, ये लेग आउट लग रही है, तो तीन बेस कैंडल वाला एक हाफ ईयरली का यहां पर बना सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। वेट करते हैं, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, कोई सप्लाई जोन नहीं है। क्वार्टरली पे आते हैं, ये रहा क्वार्टरली, जो ईयरली है उसी को कोइंसाइड कर रहा है एक क्वार्टरली और एक क्वार्टर, ये रहा एक, ये रहा क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर ये रहा। दोनों ही क्वार्टर को हमने मार्क कर दिया। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे यहां पर एक छोटी सी लेगआउट वाला एक डिमांड जोन बना था, प्राइस उसमें आई, वो भी चल गया। इसका मतलब प्राइस एग्रेसिव मोड में चल रहा है। मंथली पे एक दो तीन चार बेस कैंडल वाला एरिया तो दिख रहा है जो क्वार्टरली को कोइंसाइड कर रहा है, और इस पूरी रैली के अंदर एक रेड कैंडल दिख रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी पूरी रैली में एक सिंगल रेड कैंडल दिखे वो अपने आप में बहुत ताकतवर होती है। यह तो अपने आप में नीचे गिरते हुए आ रही है तो बहुत ताकतवर सप्लाई जोन होगा, और ऊपर बढ़ते हुए दिख रही है तो रैली में दिख रही है तो ड्रॉप की जगह, तो बहुत बढ़िया डिमांड जोन होगा। तो एक बार के लिए इसको डिमांड जोन मानते हुए हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसको भी मार्क कर देते हैं। वीकली पर आते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड ढूंढनी है हमने, कोई सेकंड बेस्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर ये देख सकते हो आप, ये चार बेस कैंडल वाला एरिया भी चला है। क्यों चला है? क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी है, पीछे कोई सप्लाई जोन नहीं था रोकने के लिए, पर होता तो दिक्कत हो सकती थी। लेग इन बेस और ये मल्टीपल लेग आउट वाला जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग की तरह प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, कोई अच्छी स्ट्रांग लेग आउट नहीं है, पर हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग से प्राइस ऊपर जा रहा है। वीकली पर कोई अच्छी पिक्चर हमें नहीं दिखती एक्सेप्ट ये रेड कैंडल, नीचे तक भी कुछ अच्छा नहीं दिखता। डेली पे आते हैं, डेली पर एक ये वाला, पहले वीकली पर आप ट्रेंड देख लो, ट्रेंड क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात, यहां पर अगर मैं मूविंग एवरेज ऐड करता हूं, मूविंग एवरेज ए को चार बार दबाना है और सिंपल मूविंग एवरेज पे रखना है और 50 प्रेस करना है। अगर मैं मूविंग एवरेज 50 यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ, और यहाँ सातवीं कैंडल को अगर मैं स्टडी करूंगा जो कि ये बनती है, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, और यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इधर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो मंथली पर ट्रेंड मेरे फेवर में है, वीकली पर ट्रेंड मेरे फेवर में, और मंथली पर भी ट्रेंड मेरे फेवर में ही मुझे नजर आएगा, क्योंकि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। क्वार्टरली में भी ट्रेंड मेरे फेवर में है, क्वार्टरली में भी ट्रेंड मेरे को अपोज नहीं कर रहा। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई एवरेज नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 50 कैंडल ही नहीं बनी हाफ ईयरली की। जब 50 कैंडल बन जाएंगी तो यहां पर एवरेज 50 यहां पर भी शो होना शुरू हो जाएगा। वीकली के टाइम फ्रेम पे वापस आए, ये डेली का टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन था जिसने प्राइस की ये सारी कंसोलिडेशन को खत्म करके इसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग दी, और शायद ये वाला एरिया चल भी चुका है। अगर मैं ये वाला एरिया इसको डिमांड जोन मानूं तो, और थोड़ी सी इससे एंट्री पहले लूं, तो ये वाला एरिया चल चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको कंसीडर अभी भी किया जा सकता है क्योंकि प्राइस ने प्रॉक्सिमल लाइन को, जो कि एक्चुअली हमारी यहां पर बनती है, इसको अभी तक टच नहीं किया है। और सेम डे अगर मैं मानूं कि प्राइस इस एरिया में आई थी और हमने प्रॉक्सिमल लाइन थोड़ी सी ऊपर ली हुई है, तो इसको टच करके 2:1 के टारगेट दे चुका है और आगे बढ़ रहा है। सप्लाई जोन पे कुछ अच्छा नहीं है, डेली पे मल्टीपल बेस कैंडल वाला एक गार्बेज जैसा दिखने वाला एक सप्लाई जोन है। हालांकि उस दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर था जिसकी वजह से सारे प्राइजेस नीचे आए, और ये इस एरिया को टच करके प्राइस वापस ऊपर जा रही है। नीचे और कौन सा एरिया हमें बेहतरीन दिखता है इसके अलावा? एक बार के लिए इस एंट्री को हम छोड़ देते हैं। तो इस एंट्री के अलावा हमें क्या दिखता है? ये कहां से बना है? ये इस वाले डिमांड जोन का फॉलो अप डिमांड जोन है। लेग इन बेस लेग आउट, सिंगल लेग आउट गैप अप के साथ, बेस कैंडल गैप अप के साथ, तो इसी की रिफ्लेक्शन से ये वाला डिमांड जोन बना है। नीचे की तरफ देखते हैं, कोई और अगर हमें कुछ और अच्छा दिख जाए। एग्जीक्यूशन लोकेशन तो हमें मिल चुकी है, हमें तलाशना है अब एग्जीक्यूशन। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि
कि यहां से लेके जो यहां तक का सारा अपमूव आया, इसका ओरिजिन यहां कहीं है। तो क्या ये बात पर आप एग्री करेंगे कि यहां से लेके जितना भी अपमूव आया है इस सबका ओरिजिन यहां पर है, और जो एक ये जो ऊपर डिमांड जोन बन रहा है ये 3 बेस कैंडल वाला लेग इन, 3 बेस कैंडल लेग आउट, और यहीं से प्राइस ने सारा अपमूव दिखाना शुरू किया। तो एक एरिया बनता है ये रेड कैंडल वाला। अब मैं आपको थोड़ी सी एडवांस स्टडी बता रहा हूँ, ये रेड कैंडल वाला जो बिल्कुल बॉटम का एरिया है, और एक ये वाला 3 बेस कैंडल। अब आप बोलोगे इसमें तो लेगआउट इतनी एक्साइटिंग नहीं है, पर अल्टीमेटली जो सारा अपमूव का खेल शुरू हुआ वो इसी पॉइंट से शुरू हुआ। प्राइस नीचे आ रही थी, यहां पर ये फॉलोअप डिमांड जोन बना है इस डिमांड जोन से, ये 3 बेस कैंडल और 1 लेगआउट वाले से, और इसी ने इसके प्राइस को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया। इसी ने इसके प्राइस को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया। तो कोई भी ऐसा डिमांड जोन हो जो प्राइस को ऑल टाइम हाई पर लेके गया है, चाहे वो इधर वाला डिमांड जोन हो जो 176 178 पे है, इसको भी हम प्ले कर सकते हैं, चाहे वो डिमांड जोन ये नीचे वाला डिमांड जोन हो जो कि 142 रुपए पर है, हम इसे भी प्ले कर सकते हैं। 142 रुपए पर भी हम प्ले कर सकते हैं और ऊपर भी प्ले कर सकते हैं, पर यहां हमें कंफर्मेशन एंट्री की दरकार होगी, यहां हमें कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 से प्राइस 170 आएगी तो 10% टूटेगी, लेकिन 200 से प्राइस अगर 140 42 आएगी तो प्राइस में 30% से ज्यादा की गिरावट होगी। तो उस केस में हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी है। हाँ, इनिशियली एक बार के लिए स्पार्क जरूर दिखाएगा अपना, और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेने के लिए मैंने एसएल को नीचे कर दिया है कि मैं इस एरिया को प्ले करना चाहता हूं, तो मैंने एसएल को नीचे कर दिया है। यहां पर जब भी कभी प्राइस आएगी एंट्री लो, इसको एसएल रखो, 2:1 आपको इजीली अचीव हो जाएगा। पर एंट्री कैसे लेनी है? कंफर्मेशन एंट्री, वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप यहां पर हो सकता है, ये भी 7/7 का ही ट्रेड सेटअप है, कोई ट्रेड सेटअप ये बुरा नहीं है। तो जो दूसरा ट्रेड सेटअप है हम ये वाला ले सकते हैं, इसमें 2 लेगआउट दिख रहे हैं, और उसके बाद जो एक और डिमांड जोन बना है, फॉलोअप डिमांड जोन बन रहा है, उसकी अचीवमेंट क्या है? जो डिमांड जोन में अल्टीमेटली बाइंग यहीं से आई है और इसने सारी कंसोलिडेशन को ब्रीच किया है, ये सारी गार्बेज को ब्रीच करते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 177 वाला। आप इसको भी ट्रिगर में ऐड कर सकते हैं कि जब भी कभी प्राइस 178 पे आएगी तो ट्रेंड इज इन आर फेवर ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, सारे के सारे टाइम फ्रेम्स पर हमारे फेवर में है। उसके बाद क्या लिखना है हमने? 7/7 ट्रेड प्राइस अप्रोचिंग ऑल टाइम हाई, डिमांड जोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द प्राइस अप्रोचिंग ऑल टाइम हाई। इसको आपने ऐड कर देना है, और जब आप इस जगह पे आएंगे तो एन प्रेस करके आपने ये सारी कमेंट्री जो आपने लिखी है, और ये कमेंट्री 180 रुपए के आसपास की है, तो आप ये सारी कमेंट्री को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है यार ये तो बहुत लंबा चला गया, तो आप यहाँ पर जाके एंटर दे सकते हैं। जब आप इस जगह पे एंटर देंगे तो ये सारी चीजें एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी, और ये इस तरीके से आपकी कमेंट्री, आपकी पूरी स्टडी इसके बारे में, स्टॉक के बारे में यहाँ पर मेंशन हो गई। 177 पे जब भी प्राइस आएगा, मार्क माई वर्ड्स, 2:1 बड़ा इजीली देखे जाएगा। और यहाँ पर 2:1 कितना बनता है? 7 × 2 = 14, और एक 15 रुपये के आसपास बहुत इजीली आपको 15 रुपये का टारगेट अचीव होगा। अगर यहाँ पर एक वीकली का डिमांड जोन है, भले ये बुरा सा डिमांड जोन है, 4 बेस कैंडल वाला और 2 लेगआउट वाला, अगर ये ब्रीच नहीं होता और प्राइस इसके ऊपर ही सस्टेन करती है, जो बिल्कुल बॉटम वाला एरिया हमने इसको पकड़ के चल रहे हैं, तो यकीन मानना ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे भी लेके जाएगा। अभी 220 222 का जो इसका हाई था, इधर एक बार के लिए स्ट्रगल करेगा, वहां से फिर नीचे आएगा, शायद इस वाले डिमांड जोन तक आए दोबारा से, और इस वाले डिमांड जोन से प्राइस रफू हो जाए, इस वाले डिमांड जोन से प्राइस रफू हो जाए। पर मेरा अभी भी जो स्ट्रांग बिलीव है वो इस वाले डिमांड जोन पे है, इसलिए मैं इस वाले डिमांड जोन को ट्रीट करूंगा, डील करूंगा।
एक चीज और भी हो सकती है कि प्राइस जब इस एरिया में आ रही है तो आपको हो सकता है एसएल थोड़ा सा और नीचे करना पड़े, इस एरिया तक ले जाना पड़े, क्योंकि जब इस वाले लेवल के नीचे एक और लेवल है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल, इसको हम ट्रैप की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रैप कर सकता है, वो बजाय कि इसकी डिजिटल के चलाने के, इसकी डिजिटल से चला सकता है, और इसकी डिजिटल थोड़ी सी कंपैरेटिवली नीचे है। तो इसमें हमें एसएल थोड़ा सा ब्रॉडर लेने की जरूरत है, 9 रुपए का, और टारगेट भी हम थोड़ा सा ब्रॉडर ले सकते हैं, 18 रुपए के करीब का हमारा 2:1 का इजिली अचीवेबल टारगेट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और जो ऑल टाइम हाई है उसमें हमें प्राइस को ट्रेल कैसे करना है, प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करना है, मैंने कोई स्टॉक बहुत सस्ते में खरीदा, मैं उसको कब तक होल्ड करके रखूँ, ये सब चीज़ें मैं कैसे पता लगाऊँ, ये सब चीज़ें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज हमने दो स्टॉक डिस्कस किए हैं, बीईएल और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। प्राइस बहुत ऊपर से आ रही है 287 रुपये से, और प्राइस अपने एक अच्छे डिमांड जोन पे आके जो मंथली और वीकली का बिल्कुल बॉटम है वहां पर रुकी है। लेकिन प्राइस आ कहाँ से रही है, प्राइस आ रही है हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से। तो हाफ ईयरली को रोकने के लिए, हाफ ईयरली के सप्लाई को रोकने के लिए हमारे पास कम से कम हाफ ईयरली का डिमांड जोन होना जरूरी है। पिछली बार भी जब प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से टकराई थी, नीचे आई थी और इसी हाफ ईयरली के एरिया से चली थी, या हाफ ईयरली का सप्लाई जोन या हाफ ईयरली का डिमांड जोन। क्वार्टरली पर देखते हैं, क्वार्टरली पर 3 बेस कैंडल वाला यही एक सप्लाई जोन है जो हाफ ईयरली का भी है। प्राइस ऑल दो इसको पूरा पियर्स कर चुकी है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अचीवमेंट हम इसकी तब मानते जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, और बैक टू बैक यहाँ पर दो क्वार्टरली के सप्लाई जोन है, एक तीसरा ये रहा। हालांकि ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से बन रहे हैं, पर सप्लाई जोन तो हैं, सप्लाई जोन तो हैं और एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से भले ही बने हो। क्वार्टरली के बाद मंथली पे एक बार पिक्चर देखते हैं, क्या पिक्चर हमें दिखती है इस स्टॉक की। यहाँ पर 4 बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन है जिसमें प्राइस गई है, पियर्स करके आई है उसको, और नीचे ये मंथली का जो 3 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है यहीं से प्राइस रिवर्सल ले रही है। पर एक्चुअल में जो हाफ ईयरली है वो यहाँ पर एक मंथली बनता है जिसमें 3 बेस कैंडल हैं, तो इस एरिया पे भी आप मंथली काउंट कर सकते हो। और एक ये रहा ड्रॉप बेस 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 रैली वाला एरिया जिसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है। क्लोजिंग क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस सप्लाई जोन, ये वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। हालांकि इसने दे दी, लेकिन 3 बेस लेग आउट इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर जिसकी यहां तक विक टच हुई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसलिए प्राइस जब इस एरिया में आई, डिस्पाइट के ये बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं था, एक सिंगल लेगआउट वाला ही डिमांड जोन था, ये इसलिए चला क्योंकि इसने प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। और क्लोजिंग कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दो ये हाफ ईयरली अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, प्राइस को पूरा पियर्स कर चुका है। अब हो सकता है प्राइस इसी बॉटम वाले एरिया से जो लेग इन बेस लेग आउट और यहां से जो पूरी रैली स्टार्ट हुई है और यहां तक गई है, इसी बॉटम वाले एरिया से प्राइस चले। अभी प्राइस ऊपर गई है और इसी एरिया में अभी कंसोलिडेट कर रही है, आगे का फ्यूचर प्राइस एक्शन क्या होगा। यहां पर 2 वीकली के सप्लाई जोन बने हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों से जो ज्यादा पावरफुल सप्लाई जोन है वो ये बिना बेस कैंडल वाला ये वाला एरिया है जो पावरफुल दिख रहा है अपने आप में। इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं क्योंकि ये वीकली है, बिना बेस कैंडल का। डेली पे जाएंगे तो हमें यहाँ एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। अब प्राइस 290 रुपये से 200 रुपये पर आ गई, तो हम इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, हमें इसमें एंट्री, हालांकि अगर डायरेक्ट एंट्री भी ली होती तो 2:1 का टारगेट अचीव हो चुका है, और डेली के सप्लाई जोन से ही आज प्राइस नीचे आई है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज एक बार के लिए 8-9% ऊपर था, पर ये डेली के सप्लाई जोन पे जब टकराया तो वहीं से प्राइस नीचे आ गई। इसका मतलब ये वाले एरिया ने भी 2:1 का टारगेट दिया है। अब कंफर्मेशन एंट्री कैसे प्लान होती है वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया कौन सा है जहां पर एंट्री लेके लॉन्ग हुआ जा सकता है, ऑल दो वो एरिया थोड़ा नीचे है, यहां पर भी हमें कंफर्मेशन एंट्री ही लेनी पड़ेगी, स्टिल ये बहुत बेहतरीन एरिया है और यहीं से ये सारे अपमूव की शुरुआत नजर आती है, यहीं से ये सारे अपमूव की शुरुआत नजर आती है। एक ये वाला एरिया जहां से सारा अपमूव शुरू हुआ,
और प्राइस कहाँ तक गई, प्राइजेस हाफ ईयरली के अंदर तक गई, यहां से सारी बाइंग दोबारा आना शुरू हुई है। तो इस ओरिजिन को हम इग्नोर नहीं करेंगे और इसमें हम एंट्री कहां प्लान करेंगे, 150 पर। एसएल कहां लेंगे, ये नीचे वाले डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मैं इसका भी सपोर्ट लेना चाहता हूं कि मान लो अगर ये हाफ ईयरली में थोड़ा सा प्राइस अंदर तक भी जा रही है तो इस मंथली के सपोर्ट से चल जाए। तो इस मंथली के सपोर्ट से प्राइस को चलाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे तक स्टॉप लॉस ले रहा हूं, और यहां पर लेने के बाद कंफर्मेशन एंट्री में 2:1 लेना है तो डायरेक्टली यहीं पे लेके 2:1 मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग होना है तो यहां पर एंट्री लेने के बाद मुझे वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का, उसके बाद ही मैं लॉन्ग होऊंगा। अब ये डिमांड जोन कैसे बना, ये डिमांड जोन यहां बने किसी डिमांड जोन का फॉलो अप डिमांड जोन है, यहां बने किसी डिमांड जोन का फॉलो अप डिमांड जोन है, पर इसने प्राइस को दोबारा से इसी एरिया तक लेके गया है, दोबारा से इसी एरिया तक लेके गया है। और ये वाला डिमांड जोन मैं अगर मानू फॉलो अप डिमांड जोन है, तो इसके अलावा और कौन सा डिमांड जोन बचता है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसके अलावा कोई और अच्छा डिमांड जोन नहीं दिखता अंटिल अनलेस दिस पॉइंट। ऑल्दो ये वाला डिमांड जोन भी टेस्टेड है क्योंकि लेगआउट छोटी सी है और लेगआउट बनने के बाद ये सारा प्राइस इसी एरिया में घूमता रहा है। तो ये वाले डिमांड जोन को हम एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हैं 2:1 के लिए, क्योंकि ये ओरिजिन का प्राइस है। इसमें दो लेगआउट अगर आपको दिख रही हैं तो आप इसे मानिए, नहीं दिख रही तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इस 150 वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, 150 वाले एरिया में बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। दो लेगआउट भले ही नहीं दिख रही, लेकिन यहां से लेके जो यहां तक का सारा मूव आया है इसका ओरिजिन यही है। एक ये वाला ओरिजिन था जो 2:1 का टारगेट कल दे गया, एक ये वाला ओरिजिन है जो आने वाले टाइम में 2:1 का टारगेट देगा। यहां से प्राइस जब भी चलेगी अगेन आपको 2:1 या उससे भी ज्यादा 3:1 देखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर बनती है, आपको अच्छा खासा टारगेट देके जाएगी। सेक्टर को हम अपने सपोर्ट में कैसे लेके चलेंगे वो भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। इसमें हम एंट्री यहां पर क्यों ले रहे हैं, ये इसका फॉलो अप डिमांड जोन है, लेग इन बेस लेग आउट, और उसके बाद प्राइस ये अल्टीमेटली हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से टकरा के वापस आई हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे, और यहीं पर एक फॉलो अप डिमांड जोन जब इस वाले डिमांड जोन ने बनाया तो अब की बार ये प्राइस को पियर्स कर चुकी है। ऑल्दो और बिल्कुल यहां तक के प्राइजेस खा चुकी है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वापस नीचे आई है, पर अब जब जाएगी प्राइस यहां से किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेते हुए, इसी वीकली से भी हो सकता है टर्न कर जाए और हो सकता है इस एरिया तक आके टर्न करे, तो जहां से भी टर्न करेगी हमने 2:1 करना है, ना एंट्री ऊपर बढ़ानी है ना स्टॉप लॉस नीचे लेके आना है, प्राइस को फॉलो नहीं करना, फोमो नहीं दिखाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भाई ट्रेड मेरे हाथ से चली गई, 5,000 स्टॉक हैं, हर रोज आपको अनगिनत ट्रेड्स मिलेंगी। आने वाली क्लास में हम सीखेंगे कि डेली बेसिस पर हम कैसे अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेली बेसिस पर कैसे हम ट्रेड्स को ढूंढ सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप इस काम को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके पास इन सब चीजों को मॉनिटर करने का टाइम नहीं होगा। आप स्टूडेंट तक तो कैसे कर सकते हैं क्योंकि इतना सारा समय तो किसी के पास नहीं है, तो कैसे करें, वो सब चीजें हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग जो आपको रूल बताए हैं रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है कि एक बार एंट्री प्लॉट कर दी तो कर दी, एक बार एसएल ले लिया तो ले लिया। एसएल यहां पर थोड़ा सा हाफ ईयरली के अंदर लेंगे, 16-17 रुपए का एसएल है हमारा, तो यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे, वही कैलसी लेंगे, 1,000 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं, मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता कि स्टॉक हमारा कितने का है, 1,000 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 17 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे कितने यूनिट लेना अलाउ है, 58.82, तो मैं 59 या 60 यूनिट इसमें ले लूंगा। 59 यूनिट्स ली, 1,000 रुपए का एसएल हुआ निकल गए, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ लिया निकल गए। सिंपल सा खेल है, बहुत सिंपल है, हम इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। मंथली पर भी अगर आप पिक्चर देखोगे तो ये सारा जो रैली शुरू हुई है वो इस पॉइंट से शुरू हुई है और उसके नीचे इस वाले पॉइंट से शुरू हुई है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको डायरेक्टली, अगर एक आपको अच्छी खासी ईयरली इनकम ट्रेड तलाशनी है हाफ ईयरली, तो आप डायरेक्टली यहां पर भी एंट्री ले सकते हो 135 रुपये पर। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, स्टॉप लॉस आप रखोगे लगभग लगभग 120 रुपये पर। ये आपकी बहुत अच्छी हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बन रही है जिसमें हाफ ईयरली में आपको लोकेशन मिल रही है,
क्वार्टरली पर ट्रेंड आपके फेवर में है, आप 7 कैंडल ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड आपके फेवर में है, साइड साइडवेज से थोड़ा सा आपकी तरफ जा रहा है, और मंथली पर एक एब्सोल्यूट लोकेशन मिल रही है, एब्सोल्यूट लोकेशन लेग इन 3 बेस और 2 लेग आउट वाली, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, इस प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक जबरदस्त एंट्री रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला एक ट्रेड बन सकता है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड। क्वार्टरली इनकम ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपका टारगेट अचीव होने में क्वार्टर लग जाएगा, नहीं, 2:1 अगर मुझे अचीव करना होगा, और मैं यहां पर टारगेट प्लॉट करता हूं 15 दुनी 30, 30 रुपए के लगभग का, तो मेरे को पहले मंथ में ही देखो टारगेट अचीव हो चुका है, प्राइस इधर आएगी और यहां से जहां तक कि एक सिंगल कैंडल ने ही इस प्राइस को अचीव करा दिया है, तो दोबारा पहले ये वाला चल चुका है क्या एरिया, हाँ ये एक बार के लिए टेस्टेड है। टेस्टेड कहां से है, मैं अगर आपको ये ग्रीन लाइन के सहारे दिखाऊं तो इस रेड की विक से, या इस ग्रीन के, अगर मैं इस इन तीनों को बेस कैंडल मान लूं, इन तीनों को बेस कैंडल मान लूं, तो इस वाले एरिया से प्राइस आके एक बार के लिए चल चुका है। 7 on 7 की ट्रेड नहीं है, 6 on 7 की ट्रेड है, पर क्वार्टरली इनकम ट्रेड है और बहुत पावरफुल इनकम ट्रेड है। इसके अंदर टारगेट दोबारा अचीव होने के चांसेस है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ प्राइस यहीं पर ही है, यहीं से प्राइस ने सारा खेल खेला है और यहीं से सारा कंसोलिडेशन रिवर्स हुआ है। और इस डिमांड जोन के नीचे एक और डिमांड जोन ये भी रहा, एक और डिमांड जोन ये भी रहा, यहां पर 2:1 लेने के बाद आप इस एरिया को भी प्ले कर सकते हो, या इन दोनों एरिया को एक साथ भी प्ले कर सकते हो, और एसएल थोड़ा सा बड़ा लेके, एसएल थोड़ा सा बड़ा लेके टारगेट भी डबल अचीव कर सकते हो। ये कैसे करेंगे हम, ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, जिसका नाम होगा लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल, जिसमें हम दोनों लेवल को मर्ज करके भी खेल सकते हैं, एंट्री दोनों लेवल्स के बीच में भी ले सकते हैं, और पहले लेवल से पहले या दूसरे लेवल के शुरुआत में भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप एंट्री चाहे यहां पर लेंगे या यहां पर लेंगे, कहीं पर भी लेंगे, वो आपकी मर्जी है। पर एसएल कैसे रखना है, चीजों को कैसे देखना है, वो हम एलओटीएल वाली क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। यहां तक कि आज की हमारी क्लास थी, इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज पूछें, बस इतना ध्यान रखें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसे के पीछे नहीं भागता, प्राइस के पीछे नहीं भागता, प्राइस के पीछे भागते हैं रिटेलर। तो प्राइस के पीछे द मोमेंट आपने भागना छोड़ दिया और आप एक एरिया में बैठ के बाइंग करने लग गए, तो आप भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। रिटेलर को पैसे के पीछे, प्राइस के पीछे भगाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेट करता है और वहीं से अपनी सेलिंग शुरू करता है। यहाँ हाफ ईयरली में कभी 2019 में यहाँ प्राइस आई होगी, हाफ ईयरली में 2019 में सप्लाई जोन बना था, अभी 2024 चल रहा है, 2024 में प्राइस जब दोबारा से इस एरिया में टकराती है तो वहां से रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाती है। इट मींस क्या कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी बाइंग लगा के पहले से बैठा हुआ है, उसने एरिया चेंज नहीं किया, एरिया किसने चेंज किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जगह रिटेलर ने। ये ईयरली का एक डिमांड जोन, बिल्कुल बॉटम वाला लेग इन बेस लॉग आउट, जिसकी क्लोजिंग इस प्रीवियस विक के ऊपर है, यानी कि लेग इन के ऊपर है इसकी क्लोजिंग, और जब इसी एरिया में प्राइस कोरोना के लॉकडाउन के फेज में आती है और 638 लगभग 650 से प्राइस गिरते हुए ऑलमोस्ट 50-60 रुपए पे आ जाती है, तो प्राइस यहीं से रिफ्लेक्ट करके चलती है। और यहां पर प्राइस कब बना था, 2008 में, तो 2008 जनवरी से दिसंबर के बीच का जो ये जो टाइम फ्रेम है हाफ ईयरली का, ये अभी भी काम कर रहा है और यहां पर अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है, और उसी ने प्राइस को इस लेवल तक, इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन तक का पूरा सफर कराया है, और इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन सप्लाई जोन पे आने के बाद ही प्राइस ने रिएक्ट किया। तो अगर किसी ने यहां पर एंट्री ली होती, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, अगर ईयरली इनकम ट्रेड है तो इसमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता, इसमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन तक भी अगर उसने अपने टारगेट लिए होते तो उसको इजीली अचीव हो जाते, तो एंट्री वो टेक्निकली कहां प्लॉट करता, हालांकि मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा, पर एक बार के लिए मान लेते हैं कि उसने इस पूरे एरिया को भी प्ले किया 62.85 और 38 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, और इस हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल से पहले तक के उसने टारगेट बुक किए, तो 4.68:1 के उसको टारगेट अचीव हुए, और ये सारा आने में कितना टाइम लगा है, 6, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 2.5 साल के अंदर ये 5:1 का टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन 62 रुपये का शेयर 243 रुपये का हो जाना, लगभग लगभग आप लगा सकते हैं कितने गुना हो गया आपका पैसा, 4 गुना, तो 4 गुना पैसा आपका 2.5 से 3 साल में हो रहा है, तो ये एक अच्छी ट्रेड है जो आपने आइडेंटिफाई की है।
जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी ट्रेड आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ेंगे, और जिनका काम ट्रेडिंग करना है वो मैक्सिमम कौन सी ट्रेड्स लेंगे, वो लेंगे तो मंथली इनकम ट्रेड या वीकली इनकम ट्रेड। और प्लीज ट्रेड लेने से पहले एक बार ट्रेड सेटअप आप जरूर शेयर करें, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी में एक ही चीज है जो आपके लिए मिसिंग है, और वो है एक स्पोर्ट। स्पोर्ट इस समय आपको मिल रहा है, आपकी सारी चीजें मैं आराम से बैठ के चेक करता हूँ, एक एक चीज को एनालाइज करता हूँ, अगर सही लगती है तो ही उसको बोलता हूँ कि हाँ ये ट्रेडेबल है। आप इस लेवल पे जब भी कभी प्राइस दोबारा आएगा मैं ट्रेड करने वाला हूँ, पर बहुत से रिटेलर यहाँ पे घबरा जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, और आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। जब इस एरिया में प्राइस दोबारा आएगा तो ऐसी ऐसी न्यूज़ फैलाई जाएगी कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस बंद हो गई, वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, भाजपा पलट के कांग्रेस आ गई, आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सरकारें गिर रही हैं, इंडिया चाइना वॉर हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, मल्टीपल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ न्यूज़ चलाई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा कि सब कुछ पैनिक में बेच दो, और रिटेलर इसी एरिया में बेचेगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसी एरिया में बाय के बाय करेगा। और यहाँ पर बाय करने के लिए आपके पास कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, आप चाहकर भी इस एरिया में बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को न्यूज़ वाले बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट करेंगे। यकीन मानना, कोई भी बिजनेस न्यूज़ सुने को मुझे सालों हो चुके हैं, मैंने किसी बिजनेस न्यूज़ चैनल को प्ले करके नहीं देखा अनटिल अनलेस एक बार बजट को सिर्फ सुनने के लिए कि बजट में क्या है मैंने एक बार सुना था। अच्छे बुरे पे मैं नहीं जाता, लेकिन बजट में भी जो डिस्कस किया जाता है ना वो ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड होता है। जो भी चीज़ जहाँ पे भी डिस्कस की जा रही है वो पहले से चार्ट पे प्लॉटेड है, न्यूज़ को इश्यू बनाया जाता है। आप कह रहे हैं किसी कंपनी पे बैन लग गया, अरे बैन तो कोर्ट ने पहले से डिसाइड कर लिया होगा, आपको डिस्क्लोज करके उस समय बताया जाता है कि यहाँ पर बैन लग गया। बैन लगने के डिसीजन कोर्ट की फाइट तो डायरेक्टर्स को पहले से ही पता है, प्रमोटर्स को और इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता है, आप आखिरी व्यक्ति हैं जिस तक वो न्यूज पहुंचाई जा रही है। और जब प्राइस इस एरिया में होगी जहां पर भर भर के इस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी सेलिंग करनी है, तो आपको बताया जाएगा ओ जी जीआईसी देखिए 63 रुपए का जीआईसी 4 गुना हो गया 2.5-3 साल में, आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा, और जैसे आप इधर बाइंग करेंगे प्राइस वापस से नीचे हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे आ जाएगी। ये सब आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, आपको इमोशनल या एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जीत पक्की है। 2:1 मतलब 2:1, टारगेट आया टारगेट ले लिया, स्टॉप लॉस आया स्टॉप लॉस ले लिया, 7/7 से कोई समझौता नहीं। क्लोजिंग एक्सीलेंट चाहिए मतलब चाहिए, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी अपने फेवर में चाहिए तो मतलब चाहिए। ये 3 रूल भी अगर आपने बांध लिए, तो मैंने बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जो सिर्फ इन 3 रूल के सहारे भी 70% से ज्यादा एक्यूरेसी ले आते हैं। हालांकि हम अपनी एक्यूरेसी को और इंक्रीज करेंगे आने वाली क्लासेस में, और ज्यादा एनहेंस करेंगे, ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को 60-70% से बढ़ा के 80-90-95% तक भी ले जा सकें। आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, मेरी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। दिव्यांशी